सैंपल लिए गए हैं, उनमें से 5 का रिजल्ट अभी आना बाकी शेष है। 179 जो सैंपल हैं वो नेगेटिव हैं और 2 पॉजिटिव आए थे, वो दोनों भी अब नेगेटिव हो गए हैं। दूसरे वाला लास्ट जो है वो आज सैंपल हमारा चल रहा है, पहले के सैंपल उनके नेगेटिव आए, तो कल मेरे हिसाब से हमारे ज़िले में कोई भी पॉजिटिव केस की हिस्ट्री वर्तमान समय में नहीं रहेगी। और वैसे भी 14 दिन से हमारे यहाँ कोई केस नहीं आया, इसलिए पाली ज़िला जो है वो सुखद स्थिति में है। इसके अलावा जैसा कल बताया गया था कि जो अजमेर ज़िले में एक गांव में केस निकला था रूपनगर में, उसके पेरिफेरी एरिया में जो हमारे 5 गांव आ रहे थे उनमें आज हेल्थ स्क्रीनिंग का काम और सैनिटाइजेशन का काम पूरी गति से चल रहा है और कल तक हम सभी लोगों का हेल्थ स्क्रीनिंग कर लेंगे। तो उसमें यदि किसी तरह के कोई व्यक्ति संदेहास्पद या ऐसे संक्रामक रोग से त्रस्त पाए जाएंगे या उससे कोई लगेगा कि इनका हमको सैंपल लेना है तो उनका हम सैंपल लेंगे। लाइन लिस्टिंग में हमारे यहाँ का कोई भी व्यक्ति अभी तक नहीं आया, इसलिए ये हमारे लिए एक सुखद समाचार है कि हमारे यहाँ पॉजिटिव केस के लाइन लिस्टिंग में क्लोज कॉन्टैक्ट में कोई भी बंदा नहीं है। इसके अलावा रेगुलर स्क्रीनिंग हमारी चल रही है, 35 लाख लोगों का हमने अब तक हेल्थ चेकअप किया हुआ है और ये लगातार हमारी कार्यवाही चल रही है। हमारे ज़िले में पर प्रांतीय से अन्य प्रांतों से जो व्यक्ति आए थे लगभग 37,000 लोग अब तक हमारे यहाँ आ चुके हैं और उसमें से 21 वर्तमान में 21,000 लोग जो हैं वो हाउस क्वारंटाइन में हैं। 15,000 लोगों का लगभग जो है वो टाइम पीरियड निकल चुका है, उनका 28 दिन का समय जो है वो पूरा हो चुका है। इसलिए अब हमारे लिए ये भी एक रिलीफ का विषय है कि वो जो लोग बाहर से आए हैं उनमें से लगभग लोग जो है संक्रमण की स्थिति में नहीं है, तो उससे हमारा ज़िला भी बचा हुआ है। ये आज की कोरोना रिलेटेड जो हमारे इश्यूज थे उसके बारे में ये रिपोर्ट है। इसके अलावा आज से जो है कुछ मॉडिफाइड लॉकडाउन की व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, पर आम नागरिकों के थोड़ा सा उसको समझने में कुछ कमी रही और जो विगत समय से बार बार विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जो लॉकडाउन के बारे में आ रही थी उससे किंचित भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई। उससे काफ़ी लोग आज बाहर आए, पर आज पूरे शहर का जो है फ्लैग मार्च किया गया था और कल से थोड़ी हम और सख्ती बरतेंगे ताकि अनावश्यक रूप से लोग बाहर नहीं निकलें, जिनको आवश्यक कार्य है वे ही लोग बाहर आएँ, ऐसा उन लोगों से अनुरोध है। बाकी हमारी स्थितियाँ ज़िले की मोर और लेस अभी तक ठीक हैं, किसी तरह की कोई आशंका या किसी तरह की कोई हमारे पास ऐसी सूचना नहीं है जिससे हमारे लिए कोई चिंता की बात हो। सर कल से क्या क्या मतलब खुलेगा? और तो एसपी साहब से बात करो आज। क्योंकि फैक्ट्री मालिक फैक्ट्री वालों ने भी मना कर दिया सर, मैं नहीं बता पाऊंगा, बट आप बताएंगे। नहीं फैक्ट्री वालों ने भी मना कर दिया इसमें। अच्छा वो लॉकडाउन, हाँ लॉकडाउन की स्थिति की जहाँ तक बात है जिसमें उद्योगों के संचालन की बात है, उसमें जो मेरे पास सूचना आई है अभी राइटिंग में तो नहीं आई है, पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने अपनी स्तर से ये घोषणा की है कि 3 तारीख तक सभी जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं वो बंद रहेंगी। यदि किसी यूनिट विशेष को किसी बात की ज़रूरत होगी तो वो, क्योंकि यहाँ रिको इंडस्ट्रियल एरिया में ही वो चीज़ें अलाउड है, तो RM रिको जो है उसके लिए इजाज़त देंगे। वैसे इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने जो अभी तक हमारे पास सूचना आई है उसमें पूरे ज़िले में रिको इंडस्ट्रियल एरिया में पूरे ज़िले के जो हमारे पास 10-12 जो इंडस्ट्रियल एरिया हैं उसमें 17 यूनिट ने हमारे यहाँ रिको RM रिको से अपने यहाँ परमिशन ली है कि वो कुछ काम करना चाहते हैं, और उसमें भी अभी लेबर बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड नहीं की है, शायद वो वेयर हाउस वगैरह को देख के और उसके बाद अपनी कार्यवाही शुरू करेंगे। हमारे यहाँ मेजर इंडस्ट्री सीमेंट की है, उसमें उन्होंने क्योंकि इजाज़त की ज़रूरत नहीं इसलिए उन्होंने प्रारंभिक तैयारियाँ उन्होंने शुरू कर दी हैं। अभी उनके क्योंकि इतने दिन से बंद था यूनिट तो एकदम से कार्य उसमें प्रारंभ नहीं हो सकता है, वो यूनिट्स जो हैं 3-4 दिन में प्रारंभ होगी। आज इसके बारे में उद्योग विभाग ने एक विस्तृत गाइडलाइन जारी की है, उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट है कि जो भी बड़े उद्योग हैं उसमें वही लेबर काम करेगी जो उनके प्रिवाइस में रह रही है, वो बाहर से किसी लेबर को बुला के कार्य नहीं करा सकते, और यही मोर और लेस सभी इंडस्ट्रीज के लिए ये लागू रहेगा। जो इसमें थोड़ा बहुत जो व्यतिक्रम है या थोड़ा बहुत इसमें जो ग्रे एरिया रहेगा या ये माने कि जो छूट का एरिया रहेगा, वो विद इन नगर पालिका में अगर यदि कोई लेबर है और वो किसी इंडस्ट्री में काम करने आना चाहती है तो वो 1 टाइम अपना पास बना करके वहाँ आ सकती है, और उनके लिए
एक डेडिकेटेड वाहन संबंधित इंडस्ट्री को लगाना पड़ेगा जो वहाँ से उनको लेके आएगा और इंडस्ट्री में लाएगा और इंडस्ट्री से वापस जब उनका समय खत्म होगा तब वो उनको छोड़ेगा। मोटे मोटे गाइडलाइन जो है वो ये जारी की है। सर ई मित्र वाले कोई गाइडलाइन नहीं है? ई मित्र के लिए अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ई मित्र में केवल इतना ही निर्देश है कि जो राजकीय कार्यालयों में ई मित्र हैं वो ई मित्र खुल सकेंगे। राजकीय कार्यालयों के बाहर जो ई मित्र हैं, मतलब बाजार में कहीं पर भी कोई ई मित्र काम कर रहा है तो वो अभी परमिटेड नहीं है। बाहर से काफी 15 दिनों से ई मित्र खुले हैं शहर में, वो उसको हम लोग चेक करा लेंगे। मेरे हिसाब से वो 10 से 12 के समय में कोई गलती से खुलता होगा क्योंकि बहुत सारी चीजें आजकल बहुत सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है। आपको शिकायत करना है तो भी ऑनलाइन है, बहुत सारे लोग उसको नहीं समझते। कई लोगों के OTP वगैरह आते हैं उसकी भी उनको समस्या रहती है, इसलिए ऐसा हो सकता है। फिर भी उसको एक बार चेक करा लेंगे, यदि ऐसे कोई अवैधानिक रूप से ई मित्र खुल रहे हैं तो उनको बंद कराया जाए। सर रैपिड टेस्टिंग किट जैसा कि सरकार ने शुरू कर दिया है, लगभग सब जगह पहुंच गया है वो तो अपने? नहीं, रैपिड टेस्टिंग किट जहां तक मेरे को जानकारी है वो केवल अभी जयपुर में प्रारंभ किया गया है। अच्छा। क्योंकि वहां बहुत ज़्यादा केसेस हैं, रैपिड टेस्टिंग की वहीं ज़्यादा जरूरत है जहां मास स्केल पे आपको कोई इस बात का पता लगाना हो कि व्यक्ति संक्रमित है अथवा नहीं है। वो एक प्रारंभिक रिपोर्ट है, उससे उसके बाद जो संक्रमित आएंगे उनका फाइनल टेस्ट लगेगा, उसी से वो निर्धारित होता है कि वो संक्रमित व्यक्ति है अथवा नहीं। उसकी व्यवस्था अभी पाली में प्रारंभ नहीं की गई है, वो केवल और केवल अभी जयपुर के लिए लागू की गई है, अभी चालू हुई है। मुझे इसकी जानकारी नहीं कि उन्होंने प्रारंभ कर दिया है नहीं, पर अभी जयपुर के लिए वो व्यवस्था की गई। प्रदेश भर में सर जो सबसे पहले पाली शहर में PPE किट बना था, उस PPE किट में उद्योगपति और CTP द्वारा भी दिए गए हैं, उनसे काफ़ी कोटा से, भीलवाड़ा से, जयपुर से, जोधपुर से डिमांड आ रही है, तो प्रशासन द्वारा बाहर भिजवाया गया, कितने अभी तक किट भिजवाया गया या प्रशासन को अभी तक कितने किट मिल गए सर? हमारे को जहाँ तक PPE किट की बात है, हमारे को लगभग 1000 से ज़्यादा PPE किट हमने हमारी इंस्टीट्यूशंस को, जो हमारे मेडिकल कॉलेज हैं और जो डिफरेंट हमारी यूनिट्स हैं, CSCs हैं, एम्बुलेंसेज वाले हैं, उनको हमने दिए हैं। इसके अलावा हमारे किट बाहर काफ़ी गए, 2500 करीब किट जो हैं वो बाहर गए हैं। और इसमें यही नहीं, अब तो जो जब इसका काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स आया, इवन SMS मेडिकल कॉलेज ने भी हमसे सैंपल के तौर पे ये किट मंगाए हैं जिसको वो लोग एक बार देखना चाहते हैं। इवन इसकी डिमांड बॉम्बे से, पुणे से भी आई है हमारे पास कि ये जो किट बनाए उसके सैंपल आप भेजें, अगर यदि वो उनको सही लगते हैं तो वो उसको आगे मांग सकते हैं। जोधपुर एम्स से भी सर लेटर? हाँ, जोधपुर एम्स से तो आए, अपने ज़िले में जोधपुर है, बाड़मेर है, जालौर है, अजमेर है, ब्यावर है, इवन सिरोही है, कोटा है, वहाँ से तो उन्होंने मांगे, वहाँ हमने दिए हैं जितने हमारे पास कपड़ा जैसे जैसे उपलब्ध हो रहा है, क्योंकि कपड़ा भी बहुत सीमित मात्रा में उपलब्ध था। हम और कपड़ा मंगाने का प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ से ये कपड़ा बनता है वो कपड़ा हमको और उपलब्ध हो तो हम ज़्यादा किट बना के सप्लाई कर रहे हैं। किट बनाने वाले से CTP और उद्योगपति को आपने निर्देश दे रखे हैं जी, प्रशासन से द्वारा ही जाएंगे आगे जहाँ भी जाएंगे? हमने ये कहा है कि आपके पास जहाँ से भी डिमांड आ रही है उसकी सूचना हमको जरूर दी जाए, ताकि हमको ये पता रहे कि कहाँ पर आपका मटेरियल जा रहा है, और इसके अलावा हमको ये भी पता रहे कि आप वो कितना बना रहे हैं।